कर दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक विभाजन का पार्ट 2, आज हम लेकर आए भौतिक विभाजन का पार्ट 3। और कल हमने पढ़ा था कि हिमालय को ऊंचाई के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा था। पहला भाग जिसमें ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग सर्वोच्च हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय और चौथा था शिवालिक हिमालय। कल हमने पढ़ा देखा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, जिसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। इसके अलावा भारत में जो सबसे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो सर्वोच्च हिमालय के अंदर है। अलग अलग प्रकार की हमने चोटियाँ पढ़ी थी, इसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा जो भाग पढ़ते हैं हम, लघु या मध्य हिमालय पढ़ते हैं। और इस लघु या मध्य हिमालय में हमारे को देखने को मिलता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। इस प्रदेश की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और इसी का कारण है कि इसको पर्यटन वर्धक स्थल कहा जाता है। इसका मतलब है यहाँ की अच्छी जलवायु होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र अच्छा माना जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जैसे देहरादून, मंडी, शिमला पर्यटन की दृष्टि से जो घूमने लायक स्थान है वो इस क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इसकी जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय लगभग सम जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इस क्षेत्र की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम लिखिए। तो इसमें जैसे नाम आता है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा धौलाधार, HP हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड, नागटिबा उत्तराखंड और महाभारत ये नेपाल में। लघु या मध्य हिमालय की पर्वत प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम आपको ध्यान रखना है, जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, नागटिबा उत्तराखंड में और महाभारत जो पड़ती है वो नेपाल में पड़ती है। इसी के अलावा इस लघु या मध्य हिमालय में हमारे को देखने को मिलती है प्रमुख घाटियाँ, और घाटियों में जैसे प्रमुख नाम आते जैसे स्पीति घाटी, फूलों वाली घाटी, काठमांडू की घाटी, लाहौल घाटी, कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, फूलों वाली घाटी उत्तराखंड, लाहौल हिमाचल प्रदेश, काठमांडू नेपाल और स्मृति घाटी भी HP हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इससे लघु या मध्य हिमालय में हमारे को प्रमुख घाटियाँ देखने को मिलती है, जिसमें स्पीति घाटी, फूलों वाली घाटी, काठमांडू की घाटी, लाहौल घाटी, कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी हमारे को प्रमुख जो है, सभी से नाम से पता चल रहा है कि ये प्रमुख जो है ये पर्यटक की दृष्टि से अच्छा है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय और यहाँ पर पर्यटन वर्धक स्थल इसलिए इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसी भाग में हमारे को देखने को मिलते हैं घास के मैदान और घास के मैदानों को इस क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे घास के मैदान जो कश्मीर में है, इस कश्मीर में घास के मैदानों को इस क्षेत्र में सोनमर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। कश्मीर में इस लघु हिमालय के जो घास के मैदान हैं उनको सोनमर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। इसी के अलावा HP में हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को वुग्याल कहा जाता है, और उत्तराखंड में घास के मैदानों को प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में घास के मैदान को प्यार कहा जाता है, प्यार से याद रख लेना। और पूरा विश्व जिस बीमारी से जगजोर रहा वर्तमान में, कोरोना की वजह से कोरोना की बीमारी का इलाज हो सकता है, बहुत सारे पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन इस प्यार का इलाज नहीं हो सकता। हम आपको आज बता दें कि प्यार का इलाज केवल प्यार ही होता। आपने मूवी देखी होगी दिलवाले, उस दिलवाले में अजय देवगन जब उसकी हीरोइन उसको धोखा देती है जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है, और बाद में जब वो वापस ठीक होता है तो प्यार का इलाज मतलब उसका वापस प्रेमिका मिलने के बाद में वो ठीक होता है। इसलिए आज से ध्यान रखना, प्यार का इलाज केवल प्यार ही, इसके इस बीमारी का इलाज विश्व में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई काम न आवे कोई दवा न लगे, कोई काम न आवे कोई दवा न लगे, हे खुदा किसी को इसकी हवा नहीं लगे। आपको याद रखना, वापस देख ले एक बार, लघु या मध्य हिमालय में जो घास के मैदान है उसमें कश्मीर में सोनमर्ग या गुलमर्ग कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में वुग्याल कहते हैं, उत्तराखंड में पयार कहते हैं।
इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण पर्यटन वर्धक स्थल भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार एचपी मसूरी उत्तराखंड, नागटिबा उत्तराखंड और महाभारत नेपाल में पड़ती है। इसी क्षेत्र में हमारे को देखने को मिलती है प्रमुख घाटें, जिसमें स्पीति जो एचपी में है, पुलों वाली घाटी उत्तराखंड में, काठमांडू की घाटी नेपाल में, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में, शिवालिक हिमालय। चौथा भाग शिवालिक हिमालय हम कह सकते हैं या बाह्य हिमालय। हिमालय का जो बाह्य क्षेत्र है या जो पूर्वी क्षेत्र है या तलहटी क्षेत्र है, उसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो कम है, ये तलहटी क्षेत्र में आता है। शिवालिक हिमालय में देखने को मिलता है भारत की सबसे आंतरिक अफुआ प्रणाली की, आंतरिक अफुआ प्रणाली की भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गग्गर है, और इस गग्गर नदी का जो उद्गम होता है इससे शिवालिक हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों का कालका नामक स्थान से निकलती है, उत्तरी राजस्थान से होकर प्रवेश करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तरी राजस्थान से प्रवेश करती है, हिमालय से बहकर राजस्थान में आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान और भारत की आंतरिक अपवा प्रणाली की सबसे लंबी नदी गग्गर है। इसके अलावा इस शिवालिक हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उस पश्चिमी क्षेत्र को दून कहा जाता है, और इस शिवालिक हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको द्वार कहा जाता है। ध्यान देना, शिवालिक हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र को दून कहते हैं और पूर्वी क्षेत्र को द्वार कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे देहरादून और हरिद्वार। इसके अलावा यहाँ पर देखने को एक शब्द आता है करेवा। करेवा क्या होता है, ध्यान देना, हिमनद। हिमनद का जो जमाव है, ग्लेशियर या हिमनद या जो बर्फ़ के जो पर्वत हैं, इस हिमनद का जो जमाव है धीरे धीरे जमना है, वो करेवा कहलाता है। और करेवा में खेती की जाती केसर की। बड़े लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है करेवा क्या होता है, हिमनद का जमाव करेवा कहलाता है और करेवा में खेती होती है केसर। केसर उत्पादन के लिए जो करेवा पाया जाता है वो ट्रांस हिमालय में आया जाता है। पूछा जाए कि सर्वाधिक करेवा भारत में कहाँ पर है, तो ट्रांस हिमालय में, न कि शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में भी केसर का उत्पादन करेवा में किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक करेवा में केसर की खेती ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। इस प्रकार से भारत का जो हिमालय का प्रदेश, हिमालय का जो ऊंचाई के आधार पर चार भाग है वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा एक अलग से भाग है जिससे पूर्वांचल की हिमालय का ही भाग है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वी क्षेत्र में होने के कारण पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये जो हिमालय है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो पूरी जो सेवन सिस्टर है उनमें जो पाई जाती है पहाड़ियाँ, उनको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। जिसमें जैसे पहाड़ियों का नाम जैसे बूम, पटकोई और मिसमी, ये पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। बूम, पटकोई और मिसमी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं। इसके अलावा जैसे नागा पहाड़ियाँ, ये नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में। इसके अलावा मिजो पहाड़ियाँ नाम से हैं, मिजोरम में। त्रिपुरा पहाड़ियाँ त्रिपुरा में हैं, और गारो, खासी और जयंतिया, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में हैं। गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ वो मेघालय में हैं। अधिकतर तो नाम से पता चल रहा है नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम, त्रिपुरा पहाड़ियाँ त्रिपुरम। कई बार नाम के विपरीत काम होता है, कई बार किसी का नाम शेर सिंह होता है लेकिन चूहे से डरता है, लेकिन यहाँ पर नाम जैसा ही काम है। और इस गारो पहाड़ियों से उद्गम होता है एक नदी का, सूरमा नदी का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गारो की पहाड़ियों से सूरमा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा जो काशी की पहाड़ियाँ हैं, इस काशी की पहाड़ियों के जो दक्षिणी दिशा है, उस दक्षिणी दिशा में पठार पाया जाता है, चेरापूंजी का पठार। काशी की पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी का पठार है, और चेरापूंजी पठार पर इस विश्व में पहले जो सर्वाधिक वर्षा होती थी वो चेरापूंजी में होती है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी को छोड़कर मानसीराम मेघालय में होती है, इसी के थोड़ा आगे वो स्थान पड़ता है। इस प्रकार से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भूम, पटकोई, मिसमी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम, त्रिपुरा पहाड़ियाँ त्रिपुरा में, गारो, काशी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय। इसके चार भाग है, प्रादेशिक या नदियों के आधार पर हिमालय के चार भाग है। ये जो वर्गीकरण किया था एक वैज्ञानिक का नाम था सिडनी बुराड के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर भी, सॉरी
ऊंचाई के आधार पर हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा, उसके चार भागों, उसी के आगे हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हिमालय का नदियों के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर भी चार भाग, ये वर्गीकरण हिमालय का सिडनी बुराड ने किया था। चार जो भाग है वो कौन कौन से हम देखते हैं कि पहला जो भाग है जिससे नाम आता है पंजाब हिमालय, दूसरा नाम आता है कुमाऊं हिमालय, तीसरा नाम आता है नेपाल हिमालय और चौथा नाम आता है असम हिमालय। इस प्रकार से इसके नदियों के आधार पर चार भाग, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इनके अगर चारों की हम लंबाई देखते हैं कि कौन से हिमालय की कितनी लंबाई है, तो लंबाई में पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है, कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर है, नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है और असम हिमालय की जो लंबाई है 720 किलोमीटर है। ये जो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के बीच में है, नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच में है और असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। वापिस देख ले, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदियों के बीच में है, नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच में है और असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560, कुमाऊं की 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय के 800 किलोमीटर और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। आगे अगर देखें कि चारों हिमालय की ऊंची चोटियाँ कौन सी है, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है केटू, कल ही देखा था गोडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई थी 8611 मीटर। कुमाऊं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, कल भी बताया था उत्तराखंड में जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। लेकिन पूछा जाए कि भारत में स्थित नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें नाम आएगा कंचनजंगा का। क्वेश्चन पूछने पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर कैसा होगा। सिक्किम में जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। भारत में स्थित नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरुआ 7756 मीटर। चाहे पूरी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी नामचा बरुआ आएगा और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी नामचा बरुआ जो अरुणाचल प्रदेश में 7756 मीटर। इस प्रकार से प्रादेशिक या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन चार प्रकार है, जो सिडनी बुराड ने भी इसका विभाजन किया था। पंजाब, कुमाऊं या नेपाल या असम हिमालय, सिंधु से सतलज के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है, सतलज से काली के बीच का क्षेत्र कुमाऊं कहलाता है, काली से तिस्ता के बीच का क्षेत्र नेपाल कहलाता है और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर, कुमाऊं की 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर और असम हिमालय की 720 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है केटू गोडविन ऑस्टिन जो जम्मू कश्मीर में, ऊंचाई 8611 मीटर है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जो उत्तराखंड में 7816 मीटर ऊंचाई है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, या भारत में स्थित नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरुआ है।